हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि टाइम टेबल कैसे बनाना है। जीपीएससी एग्ज़ाम आने वाला है 2024 का। आपको पता होगा कि जीपीएससी 2024 का कैलेंडर रिलीज हो चुका है। इसका ऑलरेडी जो 1 ईयर का स्टडी प्लान है, मंथ वाइज आपको कैसे प्रिपेयर करना है, जो बिगिनर्स हैं उनको कैसे प्रिपेयर करना है, उसका वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है, जिससे कि आप अपने डेज को मैनेज कर सके और 1 ईयर में जो जीपीएससी एग्ज़ाम है उसको क्रैक कर सके। सिर्फ प्रीलिम्स क्रैक करना हमारा टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट है प्रीलिम्स क्रैक करना, मेंस क्रैक करना, फिर इंटरव्यू में अच्छा रैंक लेकर आना, जिससे कि हम जीपीएससी ऑफिसर बन सके। ठीक है, ये मेन हमारा टारगेट है। तो इसके लिए हमको जो 1 ईयर का टाइम है उसमें जो सारे डेज है उनको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे हमारा स्टडी टाइम टेबल होना चाहिए, जिससे कि हम इस एग्ज़ाम को टाइम लिमिट के अंदर क्रैक कर सके। ठीक है, तो उसके लिए हम पूरा आज डिस्कस करने वाले हैं। वीक डेज में हम क्या करेंगे, वीक डेज होते हैं मंडे से फ्राइडे तक। तो मॉर्निंग का आपका पूरा जो वीक डेज है, एक दिन का जो शेड्यूल रहेगा वो 4 स्लॉट्स में डिवाइडेड है। पहला स्लॉट है मॉर्निंग का, दूसरा स्लॉट है डे टाइम का 10:30 से 1 बजे तक का, तीसरा स्लॉट रहेगा आपका आफ्टरनून का जिसमें 2 बजे से 5:30 बजे तक का आपका टाइम रहेगा, इवनिंग में 6 to 10 PM का आपका टाइम रहेगा। ऐसे आपको पूरा दिन मैनेज करना है। इसी में ये जो टाइम, ये जो आपका शेड्यूल है उसमें आपको 10 से 12 घंटे स्टडी करने को मिलेगा, साथ में आपके जो ब्रेक्स हैं वो आपको मिलेंगे डेली रूटीन के, और साथ में आपको 8 घंटे की स्लीप भी आपको लेना है। ठीक है, इस टाइप से ये जो पूरा टाइम टेबल है वो डिज़ाइन किया गया है, जिससे कि आपको बर्नआउट ना हो। ठीक है, जिससे आप क्या हो, ओवर स्टडी करके एग्जॉस्ट ना हो, क्योंकि ये स्टडी एक दिन नहीं करनी, 2 दिन नहीं करनी, 1 महीना नहीं करनी, पूरे साल करनी है, जिससे कि आप जीपीएससी एग्जाम को क्रैक कर सके। क्योंकि जीपीएससी का जो सिलेबस होता है वो काफ़ी वास्ट होता है। सेम टाइम टेबल आप अगर यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, एमपीपीएससी के एस्पिरेंट हैं, या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि सिमिलर ही पूरा का पूरा पैटर्न रहता है। बस मैं हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया है कि आपने अपने डे को कैसे यूटिलाइज करना है, कि आपको कब उसका रिवीजन करना चाहिए, कब आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, कब आपको कोर सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, जिससे कि आप पूरी होलिस्टिक वे में इस एग्जाम की तैयारी कर सकें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले वीक डेज से, कि आपका वीक डेज का शेड्यूल कैसा रहेगा मंडे से लेके फ्राइडे तक। तो एक दिन को हम 4 स्लॉट में डिवाइड करते हैं। पहला जो स्लॉट है वो हमारा मॉर्निंग में स्टार्ट होगा, 6 AM से लेके 9 AM तक का ये स्लॉट रहेगा। सुबह उठ के सबसे पहले ब्रश वगैरह आप करके 15 मिनट का जो टाइम होता है वो लेकर आप क्या कर जाए करेंगे रिवीजन करेंगे, जो भी आपने प्रीवियस डे में जो भी अपने नोट्स बनाए हैं, प्रीवियस डे में आपने जो भी पढ़ा है, मतलब आज के पहले एक दिन पहले आपने जो भी पढ़ा होता है उसको आप सुबह उठ के रिवाइज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो स्टेप है आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने पढ़ी है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़े हैं उनको रिव्यू करना है। ठीक है, ये सबसे उठ के आपको पहला काम करना है। उसके बाद 7 बजे आप क्या करेंगे, थोड़े से मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट करके और नहा धोकर आप फिर वापस से पढ़ने बैठेंगे 8 बजे। तो 1 आवर का ब्रेक है जिसमें आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे प्लस आपका जो भी नहाना है और ब्रेकफास्ट है वो कर लेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज भी आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि एक्सरसाइज जो है वो आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रेंथ को डबल कर देती है। 1 घंटे में आप जो पढ़ पाएंगे वो अब आप आधे घंटे में पढ़ पाएंगे, आपका माइंड इतना फ्रेश रहता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये 1 ईयर का रूटीन है, तो आपको एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे आपको करनी चाहिए। एक बार आप इस शेड्यूल को फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे ना रेगुलर सोच के, तो आप आराम से इस जीपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। टाइम टेबल तो सब बना लेते हैं, लेकिन इस टाइम टेबल को जो फॉलो करते हैं वही टॉपर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो 8 बजे से 10 बजे तक का आपका टाइम है, जिसमें आपको क्या करना है, स्टडी सेशन आपका कोर सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, जिसमें आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो भी आपने आपने जो हमारा पहला वीडियो देखा होगा मंथली वाला, उसमें आपके जो सब्जेक्ट, अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है अभी तक, तो आप ज्योग्राफी से स्टार्ट कर सकते हैं पहला सब्जेक्ट, या फिर आपको जो शेड्यूल बना रखा है डेली बेसिस पे कि आपको कैसे कितने दिन में कितने कितना सब्जेक्ट ख़त्म करना है, तो वो सब्जेक्ट आप उठा सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पहले हिस्ट्री उठाया है या पहले ज्योग्राफी उठाया है, तो 8 से 10 2 घंटे आपको ये पढ़ना है, बीच में हर 30 मिनट्स के बाद 5-5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं
रिफ्रेशमेंट के लिए। फिर 8 से 10 पढ़ने के बाद 10 से 10:30 बजे का एक ब्रेक ले सकते हैं, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, जिससे कि आपका माइंड वापस से फ्रेश हो जाए। और अगर आपको नीड नहीं है तो आप 10 से 10:30 वापस से कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा आपका जो स्लॉट बनेगा वो बनेगा 10:30 बजे से लेके 1 बजे तक का। देखो इसमें क्या करना है, पहला 10:30 से 11:30 बजे का जो कोर सब्जेक्ट आप पढ़ रहे थे मॉर्निंग में, आप उसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। चाहे आपने हिस्ट्री उठाया तो उसका एक टॉपिक अगर फिनिश हो गया हो तो दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं, और 10:30 से 11:30 तक आपको वो करना है, ठीक है। अब 11:30 से 12:30 बजे तक का ये जो टाइम रहेगा उसमें आपको क्या करना है, जो आपने टॉपिक पढ़ा है सुबह से लेके अभी तक, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और चेक करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पेपर में उससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अच्छा, ये जो टाइम स्लॉट है मैंने मॉर्निंग वाले पर्सन के लिए रखा है, मतलब क्योंकि आप इसमें अपने अकॉर्डिंग नंबर ऑफ आवर्स चेंज कर सकते हैं। अगर आप नाइट पर्सन हैं तो इस टाइम स्लॉट को आप इंक्रीज कर दीजिए, आप जब उठते हैं उस हिसाब से, लेकिन हाँ इतने नंबर ऑफ आवर्स आपके होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है पढ़ाई के लिए, चाहे आप सुबह उठ के पढ़ाई करें चाहे आप रात को पढ़ाई करें, ठीक है। तो इतने नंबर ऑफ आवर्स आपके होने चाहिए, वो आपको ध्यान रखना है, आप बस टाइम स्लॉट को चेंज कर सकते हैं, ओके। फिर आफ्टरनून सेशन वाले जो है, फिर वो सेशन 11:30 से 12:30 आपको क्या करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसके ऊपर वर्कआउट करना है। फिर 12:30 से 1 बजे आपको एक ब्रेक लेना है, लंच ब्रेक, और रिलैक्स करना है, ठीक है। 12:30 से 1 बजे आप लंच ब्रेक लेंगे, फिर 1 से 2 बजे तक का आप एक शॉर्ट नैप भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट स्लॉट है वो 2 बजे स्टार्ट होगा। अगर आपको नैप लेने की आदत नहीं है या आप रिफ्रेशिंग फील करें तो आप पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि 1 घंटा नहीं तो कम से कम 30 मिनट या 40 मिनट का आप एक नैप ले सकते हैं। इससे क्या होगा, आप वापस से रिचार्ज हो जाएंगे और वापस से आपकी स्टडी जो है वो अच्छी होने लगी, ठीक है। अब जब आप आफ्टरनून में उठेंगे तो 2 से 3:30 बजे आप क्या कर सकते हो, दूसरा इफेक्टिव सब्जेक्ट जो है उसकी स्टडी कर सकते हो, या फिर जनरल स्टडीज के साथ ही आप कंटिन्यू कर सकते हो जो आपने सुबह पढ़ा था। देखो कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह के टाइम पे एक सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर शाम के जो दूसरा स्लॉट होते हैं 2 स्लॉट में अलग सब्जेक्ट लेते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि हम एक जैसा सब्जेक्ट पढ़ पढ़ के बोर हो गए। और कुछ लोगों का ऐसा टारगेट रहता है कि जैसे मान लो किसी ने टारगेट रखा है कि 30 डेज में उसको ज्योग्राफी फिनिश करनी है, तो उसके जितने टॉपिक्स हैं उसको वो डे वाइज डिवाइड कर लेगा और उसके बेसिस पे वो अपना पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसे उसको फिनिश करना है, तो वो सुबह भी ज्योग्राफी पढ़ेंगे और शाम को भी ज्योग्राफी पढ़ेंगे, क्योंकि उनको विद इन अ टाइम लिमिट क्या खत्म करना है, ज्योग्राफी को फिनिश करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहेंगी। फिर नेक्स्ट आपका क्या टाइम स्लॉट रहेगा, 5 मिनट का आप ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद 3:30 से 5:30 आपको क्या करना है, जो हमारे मेंस के सब्जेक्ट है, अगर आपने मेंस का डिटेल्ड सिलेबस और पैटर्न मैंने उस पर एक वीडियो बनाया है वो अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं जाके, या फिर डायरेक्टली आप मेंस का जो पैटर्न होता है वो चेक कर सकते हैं। तो उसमें 4-6 पेपर हैं, गुजराती का, इंग्लिश का, ऐसे का, और GS1, GS2 और GS3 का, ठीक है। अभी गुजराती का पेपर भी 150 मार्क का होता है, इंग्लिश का भी 150 का होता है, ऐसे का भी 150 मार्क का होता है, GS1 का भी 150 होता है, GS2 का भी 150 होता है, और GS3 का भी 150 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। तो गुजराती और इंग्लिश के ऊपर भी हमको उतना ही फोकस करना है, ठीक है। अभी ऐसे हम नहीं करेंगे, ऐसे जब हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी, सब्जेक्ट हमारे हो जाएंगे, क्योंकि उसमें मल्टी डायमेंशनल व्यू चाहिए, तो अभी हम क्या करेंगे, 1 घंटा रेगुलर बेसिस पे गुजराती और इंग्लिश के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। कभी गुजराती का पढ़ लिया, कभी इंग्लिश का पढ़ लिया। गुजराती का डिटेल्ड सिलेबस मैंने वीडियो में डिस्कस किया है, वीडियो नहीं देखना तो टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको सिलेबस की कॉपी मिल जाएगी, वहाँ से आप वो गुजराती का सिलेबस देख सकते हैं। गुजराती का सिलेबस देख लीजिए, इंग्लिश का सिलेबस देख लीजिए, उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन है उसके हिसाब से आप 1 घंटे डेली इसके लिए निकाल सकते हैं, जिससे क्या होगा आपकी मेंस के भी तैयारी साथ साथ में होती रहेगी। फिर 5:30 से 6 बजे तक एक आप शॉर्ट ब्रेक ले सकते हैं, क्योंकि आपका ये 4th टाइम स्लॉट पे आप स्विच करने वाले हैं। ये रेगुलर आप ब्रेक लेते रहेंगे ना तो आप एग्जॉस्ट नहीं होंगे, बर्नआउट नहीं होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी स्मूथली चलती रहेगी, ठीक है। फिर दूसरा जो हमारा स्लॉट स्टार्ट होगा वो इवनिंग में स्टार्ट होगा, 6 बजे से लेकर 10 बजे तक का ये स्लॉट है। अब इसमें आपको क्या करना है,
6 से 7.30 बजे तक आपने आज जो पूरे दिन भर में पढ़ा है उसके की कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, या फिर आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं जो आपने पूरे दिन में पढ़ा है वो कर सकते हैं, या फिर जो आफ्टरनून का स्लॉट था जिसमें आपने दूसरा इफेक्टिव सब्जेक्ट लिया था या सुबह वाला सब्जेक्ट कंटिन्यू किया था उस सब्जेक्ट को ही वापस कंटिन्यू कर सकते हैं 6 से 7.30 बजे के बीच में, ठीक है। ये करने के बाद 7:30 से 8 बजे आपका डिनर ब्रेक होगा, 15-20 मिनट में आपका डिनर हो जाता है, उसके बाद 10-15 मिनट आप डिनर के बाद वॉक कर लीजिए, रिफ्रेश हो जाइए, उसके बाद 8 बजे आप वापस अपनी टेबल पे आइए। और इस टाइम आप क्या कर सकते हैं, रिलैक्सेशन टाइम रहेगा, आपको एकदम लाइट रीडिंग करनी है। लाइट रीडिंग करने के लिए आप क्या कर सकते हो, द हिंदू का एनालिसिस सुन सकते हो, या फिर आप करंट अफेयर्स कर सकते हो, ठीक है, करंट अफेयर्स कर सकते हो डेली बेसिस वाले, या फिर मंथली वाली एक मैगजीन ले सकते हो। मंथ वाइज आप मंथ का आपको टारगेट रखना है कि एक मंथ में पूरी एक मंथ की मैगजीन खत्म करनी है। जैसे अगर आप, ये मार्च चल रहा है तो आप फेब्रवरी की मैगजीन उठाओगे और फेब्रवरी के जो पूरा मंथ का टारगेट रहेगा आप डेली बेसिस पे वो करते जाओगे, ठीक है। तो डेली का द हिंदू एनालिसिस सुन रहा है और करंट अफेयर्स करना है, ठीक है। 8 से 10 बजे तक का पूरा ये टाइम रहेगा जिसमें आपको ये लाइट रीडिंग करनी है। अब 8 से 9 बजे के बीच में पहले कोई भी करंट अफेयर्स का वीडियो देख लिया, फिर 9 से 10 बजे के बीच में आपने करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उसके बाद सोने के 10 मिनट पहले आपको क्या करना है, अपना नेक्स्ट डे प्लान जरूर करना है कि आज आपने कितना कंप्लीट कर लिया है और आपका कितना बाकी रह गया है जो आपको नेक्स्ट डे में करना है, ये आपको करना है। फिर 10 बजे से आपका स्लीपिंग टाइम स्टार्ट हो जाएगा, 10 बजे से लेकर 6 बजे तक, मतलब कि आप 8 घंटे की स्लीप आराम से ले सकते हैं। इससे क्या होगा, ये स्लीप लेना मस्ट है, आपको ओवर एग्जॉस्ट नहीं होना है। ऐसा नहीं कि 12 बजे तक पढ़ रहा हूँ फिर सुबह 6 बजे उठ जा रहा हूँ, फिर सुबह 6 बजे उठ के भी नींद के झोंके आ रहे हैं, मतलब पढ़ाई नहीं हो पा रही है ढंग से, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर पढ़ते पढ़ते आपको बहुत ज़्यादा नींद आने लगे तो एक तो आप क्या कर सकते हैं, तुरंत उठ के बाहर फ्रेश एयर में जा सकते हैं, या फिर जो आपका स्टडी टेबल है या आप जहाँ पे आप रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा आप उठ के थोड़ी बहुत एक म्यूजिक म्यूजिक सुन लीजिए, या फिर अपने आप को वापस से मोटिवेट कीजिए नहीं मुझे पढ़ना है करके। और अगर फिर भी आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तो 5-10 मिनट की आप नैप ले सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रात को 10 बजे सो रहे हैं, सुबह 6 बजे उठ रहे हैं, अगर आपकी 8 घंटे की स्लीप पूरी हो रही है तो आपको नींद के झोंके नहीं आएंगे क्योंकि दिन में भी आप 1 आवर की नैप ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका टाइम टेबल रहेगा वीक डेज का, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। तो इतना आप अगर रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आपके बहुत सारे जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, सारे के सारे, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, ये सारे सब्जेक्ट जो है वो मैं आप एक्सपेक्ट करूंगी कि 0 to 5 मंथ्स में जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, जो लोग बेसिक से तैयारी कर रहे हैं, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए, ठीक है। इसमें आपकी एनसीईआरटी जो है वो 1st मंथ में सारी कवर हो जाएंगी, उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं वो आपको कवर करने हैं आपकी रेफरेंस बुक से। अच्छा, अगर आपको इन सब में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए आपको सिविल सिग्नल ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, वहाँ पे जीपीएससी 2024 का फुल कोर्स अवेलेबल है, सारे सब्जेक्ट को उसमें कवर किया गया है, और साथ में आपको पीडीएफ, फ्री पीडीएफ दी जाएगी, फ्री स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, जिससे कि आपके नोट्स बनाने का जो प्रॉब्लम है वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा, आपको रेफरेंस बुक से नोट नहीं बनाने पड़ेंगे, तो आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा और एक गाइडेंस आपको मिल जाएगी। और उससे भी आपको और कुछ पूछना है तो यहाँ पर स्क्रीन पे हमारा नंबर शो कर रहा है, आप डायरेक्टली वहाँ जाके कॉल कर सकते हैं अगर आपको क्रैश, ये जो भी कोर्स है जीपीएससी 2024 का, वो ज्वाइन करना है, ठीक है। अब ये तो हो गई हमारे वीकडेज की बात, अब हम बात करेंगे वीकेंड्स की, कि वीकेंड्स में आपको क्या करना है, वीकेंड्स में आपको कैसे यूज़ करना है अपने सैटरडे और संडे को। तो देखो, ये जो टाइम टेबल है वो किसके लिए है, प्री प्लस मेंस के लिए है, दोनों एग्जाम्स के लिए है। तो अभी हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अब उसमें क्या करेंगे, सैटरडे जो रहेगा वो हमारा प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेड रहेगा और संडे जो रहेगा वो मेंस के लिए डेडिकेटेड रहेगा। सिलेबस सेम है प्रीलिम्स का और मेंस का, ठीक है, और जो गुजराती और इंग्लिश का सिलेबस अलग है उसके लिए हमने दिन में डेली 1 घंटा रख ही दिया है। अब सैटरडे को मॉर्निंग में आप क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे आपके वीक एरियाज को, क्योंकि आपने हफ्ते भर पढ़ा, क्वेश्चंस भी लगाए, उसमें आपको समझ में आ गया कि किसके क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे, किस टॉपिक के क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं और किन चीज़ों पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ये आप बैठ के मॉर्निंग में रिव्यू करेंगे, और जो आपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़े हैं पूरे हफ्ते उनको रिवाइज करेंगे, ठीक है।
फिर आफ्टरनून में आप क्या करेंगे, एक फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। देखो फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट आप कब सॉल्व कर सकते हैं, जब आपकी प्रिपरेशन 1 मंथ की हो चुकी है। जैसे कि आपने हिस्ट्री पढ़ा है पूरे वीक में, और हिस्ट्री के आपने कम से कम 5 से 6 टॉपिक फिनिश कर लिए हैं, तो आप 5 से 6 टॉपिक का फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी टेस्ट सीरीज है, जैसे कि विजन आईएएस है, ये आपको क्या देता है, पूरा फुल लेंथ टेस्ट देता है टॉपिक वाइज, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उस टाइम पे, तो विजन आईएएस के मार्केट में जो है वो टेस्ट पेपर मिलते हैं जो टॉपिक वाइज होते हैं, ठीक है। और उन टॉपिक के अकॉर्डिंग आप अपना शेड्यूल बना लीजिए कि मुझे इस हफ्ते में इतने टॉपिक्स फिनिश करने हैं, और सैटरडे को मुझे उन टॉपिक्स के क्वेश्चन लगाने हैं या फिर टेस्ट देने हैं, ठीक है। टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेस्ट नहीं देंगे तो आपका अपना एक्यूरेसी लेवल नहीं पता चलेगा, कितने क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं। मान लो अगर आपने 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, यस फॉर एग्जांपल आपने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो 50 क्वेश्चंस में से आप जो आपने पूरे हफ्ते कंटेंट पढ़ा है उसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, कितने आपसे नहीं बन रहे हैं, और कितने क्वेश्चन आपके गलत जा रहे हैं जिसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग में आपके आंसर क्वेश्चन कट रहे हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसलिए आपको फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट जरूर देना है, और जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर जाएगा वैसे वैसे आप पहले सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज टेस्ट देंगे, फिर सब्जेक्ट का फुल टेस्ट देना शुरू कर देंगे, फिर दूसरा सब्जेक्ट जो आपका कंटिन्यू रहेगा उसका देंगे, फिर ऐसा करके जब आप 5 या 6 मंथ के आसपास पहुंच जाएंगे तब आपके कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो कवर हो जाएंगे ऑलमोस्ट बहुत सारे। फिर आप क्या कर सकते हैं, 7 से 8 मंथ के बीच में अपना जो फुल लेंथ टेस्ट है वो डेली ये देना स्टार्ट कर सकते हैं सैटरडे को। तो ये प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव में आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत होती है। तो आफ्टरनून में आप सैटरडे को क्या करेंगे, प्रीलिम्स के ऊपर क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रेगुलर बेसिस पे। फिर इवनिंग में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस ये आप देख लीजिए, उसके बाद रिलैक्स होना है इवनिंग में, और कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कर सकते हो, घर वालों के साथ थोड़ा घूमने जा सकते हो, फ्रेंड्स से मिल सकते हो, जिससे कि क्या हो आपको एग्जॉस्ट फील ना हो और आपका माइंड जो है वो फ्रेश हो जाए। क्योंकि अगर आप बाहर जाके मिलकर आते हैं फिर घर आके आपका जो माइंड होता है वो दूसरे दिन के लिए ज़्यादा प्रिपेयर रहता है, तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है। फिर संडे को आपको क्या करना है, वापस से मॉर्निंग में एनालाइज करना है आपकी मॉक टेस्ट की परफॉर्मेंस कैसी रही, कितने क्वेश्चंस आपने सही किए, आइडेंटिफाई करना है अपना एरिया कहाँ कहाँ पे आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर ये हो गया आपका प्रीलिम्स का पूरा। अब आफ्टरनून में संडे को आपको क्या करना है, ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस करनी है और डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने हैं। डिस्क्रिप्टिव आंसर्स आप कैसे लिखेंगे, देखो डेली बेसिस पे तो मैंने आपको बता ही दिया कि डेली आपको पूरा टॉपिक कंप्लीट करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे अगर आप एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने एनसीईआरटी सॉल्व किया है, तो एनसीईआरटी के पीछे ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं और मेंस के क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है। तो मेंस के क्वेश्चन नहीं होते, वहाँ के क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको लिखना शुरू करेंगे तो भी आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डेवलप होगी। ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको रेगुलरली करनी है, क्यों, क्योंकि प्रीलिम्स जो है वो सिर्फ आपको क्वालिफाई कराएगा किसके लिए, मेंस एग्जामिनेशन का। मेन कर्ता धर्ता जो होता है इस एग्जाम का वो मेंस होता है, लेकिन बच्चे जो है वो प्रीलिम्स की तैयारी करने में सिलेबस कंप्लीशन की तरफ लगे रहते हैं। आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ में लेके चलना है। तो संडे को आपको मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। अब मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे, देखो कैसे करनी है, आपने हफ्ते भर जो टॉपिक्स पढ़े हैं उनके आप क्या कर सकते हो, मेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको लिखो, तो आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके क्वेश्चन आप पूछेंगे, मैम क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, तो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, या तो आप डायरेक्टली गूगल पे डालेंगे ना पर्टिकुलर टॉपिक के मेंस क्वेश्चन, आपको वहां से मिल जाएंगे, या फिर कोई बुक परचेज कर सकते हो जिसमें मेंस के क्वेश्चन दिए हो, तो वहाँ से आपको मेंस के क्वेश्चन तो मिल जाएंगे, और वहाँ से आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हो जो आपने पूरे हफ्ते भर पढ़ा है। इसमें यहाँ पे ये चेक हो जाएगा कि आपने जो पढ़ा है आप उसको रिप्रोड्यूस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। फिर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे रेगुलर बेसिस पे, अगर इस प्रैक्टिस को आप कंटिन्यू रखोगे तो क्या होगा, आपका वर्ड लिमिट डिसाइड होने लग जाएगा कि मुझे कितना लिखना है, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग में वर्ड लिमिट का बहुत बड़ा खेल होता है। हमने जो मेंस का पैटर्न डिस्कस किया था उसमें वर्ड लिमिट भी डिस्कस किया कि कितना वर्ड लिमिट होता है पर क्वेश्चन का। और फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखो, उसको गूगल के थ्रू ही चेक करा सकते हो, या फिर आप हमारी टीम को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे आपके आंसर को चेक किया जाएगा। फिर आफ्टरनून में ये करने के बाद एक थोड़ी नैप वगैरह लेके या थोड़ा बहुत बाहर घूमने के बाद, उसके बाद इवनिंग में सोने के पहले आपको क्या करना है,
अपकमिंग वीक के लिए प्लान करना है, ठीक है। प्लानिंग और रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप रात को सोने के पहले भी दूसरे दिन की प्लानिंग करके सोएंगे, और जब आपका वीकेंड हो जाएगा तब आपको क्या करना है, अपकमिंग वीक की प्लानिंग करनी है कि मुझे इस वीक में कितने टारगेट्स कंप्लीट करने हैं, कितना सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, कितने टॉपिक्स कंप्लीट करना है। और जब उस गोल को आप सेट कर लेंगे तो उस पूरे हफ्ते आपका माइंड प्रिपेयर रहेगा कि मुझे जल्दी से जल्दी इन टॉपिक्स को फिनिश करना है, ठीक है। तो टारगेट लेके जब तक स्टडी नहीं करेंगे तब तक आप सिलेबस को ना ही कंप्लीट कर सकते हो। सिलेबस ही कंप्लीट करना आपका मेन टारगेट नहीं है, सिलेबस के साथ आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट देना है और रिवीजन करना है। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो ये चारों चीज़ आपको करनी है जब आप अपना अच्छे से डेली रूटीन बना लेंगे तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस की। तो मंडे टू फ्राइडे आपको क्या करना है वो हमने डिस्कस कर लिया। पूरे दिन के चार स्लॉट्स रहेंगे वीक डेज में, वो आपको करना है, रिवीजन करना है डेली बेसिस पे, डेली बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और जो आपका कोर सब्जेक्ट है वो आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद वीकेंड्स जब आएगा, सैटरडे आपका प्रीलिम्स के ऊपर फोकस रहेगा, संडे को आपका मेंस के ऊपर फोकस रहेगा, ये सारी चीज़ें रहेंगी। उसके बाद एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये जो टाइम टेबल है वो हर इंडिविजुअल की नीड और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग होता है। किसी को पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किसी का सब्जेक्ट कौन सा स्ट्रांग है, किसी का कौन सा सब्जेक्ट वीक है, तो आप उस हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। दूसरा, टाइम टेबल तो सब बना लेते हैं लेकिन उसको फॉलो करना उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो 90% बच्चा टाइम टेबल बनाता है लेकिन फॉलो कितने करते हैं, 2%, और ये 2% बच्चे ही जो होते हैं वो टॉपर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो आपको अपना टाइम टेबल बनाना है और उस पर कंसिस्टेंट रहना है, रेगुलर रिविजन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। देखो रिवीजन करना और प्रैक्टिस करना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जीपीएससी को क्रैक करने के लिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, चाहे यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा मैंने रेगुलर ब्रेक्स दिए हैं हर जगह, वो क्यों दिए हैं, जिससे आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को मैनेज कर सकें, अपनी प्रॉपर स्लीप ले सके, प्रॉपर न्यूट्रिशन ले सके, और रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो आपके माइंड को क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, जिससे आपका स्टडी रूटीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने डिटेल में डिस्कस कर ली कि कैसे आपको अपना स्टडी टाइम टेबल प्रिपेयर करना है जीपीएससी 2024 के लिए, या फिर कोई भी जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके लिए आप इस तरीके से टाइम टेबल बनाइए, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगा और आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। कोई भी डाउट होता है, कुछ भी क्वेरी होती है, आप सिविल सिग्नल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाइए, आपके सारे डाउट्स जो हैं वो मैं सॉल्व कर सकती हूँ, ठीक है। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।